मास्टर ये शर्ट बन गया है। ना आज का पूरा काम हो गया है, मुझे दवा खाने का काम था। पैसों की जरा चाहिए था। यार, जरा पैसों की जरूरत थी मेरे को दवा खाने का काम। आज का पूरा काम हो गया, आज का पूरा काम हो गया है, मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसे पैसे मिल गया दे तो बहुत अच्छा। पैसे? अरे भाई, अभी पैसे पैसे है, अभी पैसे सब के कार्ड गुंडे होंगे, फिर उसके बाद स्तर होंगे, फिर उसके बाद में जो है तुम घर पे लटकी ना, वो कितने दिन लटकता, महीना भर लटकता, तो 2 महीने लटकता। जब वो ग्राहक आएगा, ग्राहक आने पर हमको ये पैसे देना, फिर हम तुमको पैसे देंगे। अभी कैसे पैसे दे रहे हैं? अभी तो हमारा मुझे दवा खाने काम था, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। और वो सब सही है तुम्हारा दवा खाने का नेता, लेकिन हमारे भी तो कोई ऐसे दवा खाने का नेता, लेकिन ये बुरा काम है ना। मैं परेशान हूँ मास्टर, मेरे भी से दवा आने का काम है, बहुत जरूरी था। वो तुम्हारी सब सही बात सही है भाई, मगर वो बुरा कहना, ये जलना, जब पैसे आएंगे जब हम तुमसे देंगे। अभी काफी दिन हमने, अभी मतलब तुमको हमारी जेब से दे देना है कि हमने कॉल नंबर ये तुम क्या करो अभी है ना, कोई तुम्हारे दूसरे दोस्त आने वाले हमने ना किसी में तो ले में दो चार रुपया बेतन में। मैंने सबको मांग कर दे किया, कोई नहीं दे रहा, परेशानी कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ फिर। हाँ, मगर आप ये कपड़े जलने जब देंगे ना, तो अभी कपड़े कट जाते हैं क्या जाते हैं, हमारा सब सही है ना, समझ रहा है, लेकिन कपड़े ले जाना हम गिरा देने। ठीक है मास्टर साहब, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, परेशानी में कभी किसी को परेशान मत करो। मैं आपका इस काम करता हूँ इसीलिए आपसे उम्मीद से आया हूँ कि आप मुझे पैसे देंगे, लेकिन आप भी इन वक्त पर धोखा दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे इस्लाम में भी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, परेशानी में हर इंसान की मदद करो, परेशानी में उसका साथ दो, लेकिन आप उसका उल्टा कर रहे हैं, बात को समझना नहीं चाहते। जानी दिया आज हालात मुझ पर है, हो सकता है कल आप पर भी होंगे। मैं चलता हूँ, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल मेरी मदद करेगा। सॉरी यहाँ। अरे सम्मान देव, बोले बेटे इधर आना जरा, कुछ ना बोलो। तुम्हें बोले गए तुम्हारी मजदूरी दोस्त, आज तुमने ना मेरी आंखें खोल दी। अपनी नबी को हदीस है कि मजदूर को मजदूरी पैसे ना सुनने से पहले मजदूरी देनी चाहिए। आज मुझे वो हदीस याद आ गई, और तुम जो है कि तुम्हारी मजदूरी लो, तुम्हारा जो भी मसला है वो हल कर दो इंशाल्लाह ताला, मैं अल्लाह से दुआ करूँ। ये दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हर मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें।